सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। इस मिशन के तहत हर घर को पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। इस मिशन के तहत हर घर को पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य है। वे परिधि के मंडी में मंडी जोन के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आईपीएच विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन के पहले चरण में निर्धारित काम को 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में वित्त पोषण परिणामों के अनुरूप है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य को केंद्र सरकार से अधिक धन मिलता है, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों का हिस्सा घट जाता है। इसलिए 31 मार्च 2020 तक पहले चरण के 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए जी जान से काम करें। इसके अलावा उन्होंने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के चालू कार्य को इस साल 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि घरों में पेयजल के नए कनेक्शन देने के निर्धारित काम को पूरा करने के साथ साथ उसे आधार से लिंक करवाना भी तय बनाएं। इसके लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित करें, साथ ही पुराने कनेक्शन में आवश्यकता अनुरूप पाइप बदलने के काम को पूरा करें। मंत्री ने अधिकारियों के साथ विभाग की अन्य परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। जेजेएम के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, गृह जल प्रबंधन, एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में आईपीएच विभाग के मंडी जोन के मुख्य अभियंता आर के महाजन, अधीक्षण अभियंता कुल्लू देवेश भारद्वाज, कार्यकारी अधीक्षण अभियंता सुंदरनगर चतुर सिंह ठाकुर, मंडी जोन के सभी अधिशांशी अभियंता और एसडीओ मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जो बहुत आयामी एक योजना जल जीवन मिशन जिसका ऐलान किया है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में लगभग हम प्रथम चरण में कोई 700 करोड़ रुपया जो है खर्च करने जा रहे हैं। चारों जोनों में बैठकें हमारी पूरी हो चुकी हैं और सारी की सारी स्कीमों की एनडीएस हो चुकी है, टेक्निकल सैंक्शन होने जा रही है, बहुत स्कीमों की डीएनएडी तैयार है और कुछ स्कीमों के टेंडर जो है वो लग चुके हैं और अवार्ड हो चुके हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी की जितनी भी हमारी पुरानी स्कीमें हैं वो सारी की सारी स्कीमें इसमें शामिल कर दी गई हैं और उन सारी स्कीमों को शामिल करने के उपरांत मुझे लगता है कि हमारा ये अमाउंट इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 का है, हम लगभग 1000 करोड़ रुपए की पीने के पानी की स्कीमें जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है वो करने जा रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं, साथ में प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस देश के उन गरीब लोगों को जिनके घरों में नलके नहीं है, उनके घरों में नलके लगाने के लिए जो एक बहुत बड़ी बहुत आयामी योजना का जो शुभारंभ किया है, ये सराहनीय है, हम इसका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।